क्या होता क्या है ये नेपोटिज्म? नेपोटिज्म हर जगह है, हमारे घर से लेके स्कूल, कॉलेजेस एंड स्पेशली इन बॉलीवुड इंडस्ट्री। नेपोटिज्म बॉलीवुड में बहुत पहले से चलता आ रहा है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इसके ऊपर जो आवाज़ उठाई है उसे अप्रिशिएट करना तो बनता है। सुशांत सर ने नेपोटिज्म के ऊपर एक वीडियो इंटरव्यू में कहा भी था कि नेपोटिज्म कई हद तक सही भी है और गलत भी। नेपोटिज्म वो है जहाँ आप अपने पोस्ट, अपने पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हो ताकि अपने परिवार वाले, जानने वाले या फिर चाहने वालों को आगे कर सको। एग्जांपल के द्वार पे ले लो करण जौहर, जो सिर्फ स्टार किड्स को लॉन्च करता है, आउटसाइडर्स को नहीं। SSR, कंगना रनौत, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, इसके जैसे कई टैलेंटेड एंड स्ट्रगलर एक्टर्स हैं जिनकी बस एक ही गलती है, उनका कोई गॉडफादर नहीं है, मतलब सपोर्ट करने वाला कोई नहीं उनके फैंस को छोड़ के। इसकी सजा यह है कि इनके बेहतरीन मूवीज, एक्टिंग एंड टैलेंट के बावजूद इन्हें कोई अवार्ड नहीं दिया जाता, इन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाता। कभी कभार अवार्ड्स दे भी दिए तो बस नाम के, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। इसलिए ये तो अब तक सबको पता चल चुका है कि फिल्म फेयर जैसे अवार्ड शोज में कुछ भी फेयर नहीं होता, बस हेरा फेरी होती है। एक्टर एक्ट्रेस के थोबड़े देख के उन्हें अवार्ड्स दिए जाते हैं, ना कि उनके टैलेंट, मूवी की स्टोरी को जज करके। इनका तो सब पहले से डिसाइड होता है किसको अवार्ड देना है किसको नहीं। ये तो एक्टर्स को उनके बैकग्राउंड पे जज करते हैं, ना कि उनके टैलेंट पे। ये तक नहीं देखते कि जिस एक्टर को अवार्ड मिल रहा है उसके कंपेयर में जो खड़ा है उसकी फिल्म एंड एक्टिंग इनसे 100 गुना अच्छी है। ये तो हो गया बॉलीवुड एंड अवार्ड शोज में चलने वाला नेपोटिज्म। अब बात करते हैं कि हम नेपोटिज्म को कैसे बढ़ावा देते हैं। बॉलीवुड की घटिया से घटिया मूवी को भी हम थिएटर में जाके देखते हैं, जो मूवी एंड स्टोरी के नाम पे टोटल धब्बा होती है। लेकिन जो सही मायने में देखने लायक मूवीज होती है ना, उसे तो हम बहुत कम देखते हैं। हम तो बस एक्ट्रेस के थोबड़े देखने जाते हैं, बाकी कुछ नहीं, बिकॉज वो पहले से ही जो फेमस होते हैं। नए एक्ट्रेस को तो हम बस जज करते हैं। जो नई मूवीज रिलीज होती हैं उनके डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स को कोई लेना देना नहीं होता हमारे चॉइस से, आपको अच्छी लगे या ना लगे इसमें उनका कुछ नहीं जाएगा, उन्हें तो बस एक ही चीज़ चाहिए, वो है पैसा। अब मूवीज़ हमारे लिए क्या है? एक एंटरटेनमेंट का जरिया, लेकिन हम क्या करते हैं उन्हें जज, वो भी किस बेसिस पे? एक्टर के बैकग्राउंड एंड फेम। ऐसा सब करते हैं ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 100 में से 75% लोग ऐसा ही करते हैं। इंसान की फितरत होती है, इंसान वही करता है जो उसे सही लगता है, वो कभी नहीं करता जो सही होता है। हम भले बॉलीवुड नेपोटिज्म के खिलाफ कुछ ना कर पाए, लेकिन एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं, वो है सही टैलेंट को सपोर्ट करना। नेपोटिज्म बैन करने वाली या फिर किसी के कहने से बंद होने वाली चीज़ नहीं है, नेपोटिज्म तो होता ही रहेगा, बस बाकियों को भी चांस मिले तो उसमें कोई गलत नहीं। बहुत से ऐसे हीरो हीरोइन से जो फिल्म इंडस्ट्री में आए और गए, जो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के बेटे भी थे, तो सब ऑडियंस पर डिपेंड है कि किसे रखना है और किसे नहीं, मतलब हम पे, चाहे कोई भी एक्टर हो, डायरेक्टर का बेटा या फिर मालिका, जिसमें टैलेंट है वो आगे जाएगा, सब ऑडियंस पर डिपेंड है कि वो किसे सपोर्ट करती है। लास्ट में एक मूवी है जो आप सबको जरूर देखनी चाहिए, सोन चिड़िया, बड़ी कमाल की मूवी यार, जरूर देखना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक जरूर कर देना, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। कहता कुछ और करता है और लेता है क्यों तू दिल पे जोर, बतला बतला कोरी सी रात को भर दे, आज तू खोल दे सब राज राज, बह जा बह जा। गुपचुप सा क्यों है तू ये बता, कुछ तो हंसी को दे जगा, बेवजह।